Hello everyone, you're most welcome in my YouTube channel. Today I'm going to present you two top designs. These top designs are very beautiful. Let's get start. So, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 13 इंच का मेजरमेंट लिया है. ये हमारा वन साइड से है. मेजरमेंट जो एग्जैक्ट स्टिच होने के बाद आना है वो 8 इंच आना है. हमने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, वो हमारा स्टिच में एडजस्ट हो जाएगा. तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पिनटेक्स की सिलाई लगाते हैं. पिनटेक्स की सिलाई लगाने के लिए मैं पिछली वीडियो में अभी आपको बता चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं. इस तरीके से हमें आधा इंच गैप और छोड़ते हुए सेकंड पिनटेक्स की स्टिच कर लेंगे. इसी तरीके से ये हमको पूरे फैब्रिक पर कर लेना होगा. हम देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 स्टिच करके दिखाई आपको. इसके बाद मेरा ये फैब्रिक पूरा कंप्लीट है. ये हमारा वन साइड का है. सेकंड भी हम इसी तरीके से कर लेंगे. इसको 1-1 इंच ऊपर और नीचे से मोड़ देंगे. इसके बाद हमें इस पर स्ट्रिप्स लगानी होगी. स्ट्रिप्स लगाने के लिए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे पीछे से 2 इंच छोड़ते हुए. इसके बाद हमें इसमें कफ्स लगा लेने होंगे. सो ये एकदम मार्केट के टॉप की तरह बनकर रेडी है. आपको देख सकते हैं इस तरीके से बनने के बाद आएगा. बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल टॉप बनकर ये तैयार होगा. देखिए तो चलिए अपने सेकंड टॉप की कटिंग स्टिचिंग करते हैं. यहाँ पर मैंने सेम फैब्रिक ले लिया है बचा हुआ. इसकी भी मैं 14 इंच से 13 इंच तक की चौड़ाई रखूंगी और इसकी लंबाई में लगभग 9.5 या 10.5 तक हम रख लेंगे. सो ये 13 इंच का मैंने मेजरमेंट ले लिया है. वही सेम 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उसके बाद सेकंड साइड से हम 10.5 रख लेते हैं. 9.5 ये कंप्लीट होने के बाद लगभग हो जाएगा. सो इसको बाद में हमें मुड़ने के बाद लगभग इतना दोनों साइड से ये हमारा मुड़ जाएगा. आप चाहे तो इसमें अस्तर का कपड़ा भी मोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बड़ा कपड़ा चाहिए तो. बाकी हमको इतना ही रख लेंगे तो भी इक्वल हो जाएगा. सो सबसे पहले हमें इस फैब्रिक पर जो ये इतना कपड़ा मेंटेन करते हुए लगभग छोड़ देना होगा. इसको हम बाद में स्टिच करेंगे. सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें लगभग मैंने जो बताया 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए वहाँ से डबल सिलाई लगा लेंगे. ये देख सकते हैं आप, डबल सिलाई लगने के बाद ही इस तरह का लग रहा है. इसके बाद स्क्वायर शेप में इसको भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे. ये देखिए इसी तरीके से हमको यहाँ से मशीन चलाते हुए निकाल लेनी होगी. सो मैंने दोनों तरफ से ऐसे स्टिच कर लिया है. उसके बाद हमें लगभग 2 इंच कपड़ा, आप चाहे तो इसको 1 इंच तक भी रख सकते हैं, इस तरीके से स्टिच कर लिया है. इसके बाद लगभग 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें इस दूसरी सिलाई ऊपर से लगानी होगी. सेम हम नीचे से भी लगा देंगे. इसके बाद हम उसके बीच में इस तरह का इलास्टिक कोई भी डाल देंगे. अभी मेरे पास है नहीं इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ. इसी तरीके से आपको डाल देना है पूरे कपड़े में. उसके बाद मार्केट से कोई भी रेडीमेड डोरी आप ले लेंगे या फिर आप चाहें तो उसको घर पर भी निकाल सकते हैं. मैं यहाँ पर मार्केट की डोरी का यूज़ करने वाली हूँ. के बाद ये देखिए मैंने दोनों साइड से डोरी डाल दी है एंड हमारे ब्यूटीफुल टॉप रेडी है. इसको आप किसी भी शर्ट के वियर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.